जो लोग क्रॉस कर एरिया पर रह जाते हैं पिक्चर्स में एरिया पर रह जाते हैं ना उसे क्रॉस करें ओके क्रॉस करें बस ये पूरा इस मौके पर जहाँ ये ना हो ना थोड़ा आप चलिए आपने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन की क्या वजह मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुजा गणेश साहब का पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम का कि उन्हें हमें इतना काबिल समझे और हमें ज्वाइन करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट था और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जब लॉन्च हुई थी 2019 का उसका फाउंडिंग मेंबर भी था। हम एक सोच के साथ जितनी भी मेरी टीम है जुड़े थे डॉक्टर शाह फैजल साहब के साथ बट किसी वजहों की वजह से शाह फैजल साहब ने 2020 में पॉलिटिक्स से ट्विट कर दिया। उसके बाद हम काफ़ी देर से सजाद गनी लोन साहब को जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं उनको काफ़ी देर से हम देख रहे थे उनकी सोच को देख रहे थे और कहीं ना कहीं हमें लगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है चाहे वो जितना भी यूथ मेरे साथ पुंछ रजौरी या मैं यहाँ की बात करूँ जो जुड़ा है हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें सजाद गनी लोन साहब से जुड़ना चाहिए उनके विजन को देख के हम जुड़े। और मैं इस यहाँ पर वाजा कर देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो पूरे जम्मू प्रिवेंस में एक हर घर पे हर जगह पे उसका जो फ्लैग आपको नजर आएगा और मैं अपनी टीम के साथ साथ एक बार फिर से पूरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज पुंछ से यंग और एंटरप्राइजिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रिदम सिंह जी ने अपने साथियों समेत पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। रिदम सिंह जी जेके पीपल्स मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं और अपने इलाके में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने आज सजाद साहब की रेजिडेंस पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। हमारी चेयरमैन ने उनका वेलकम किया और उनके साथियों का वेलकम किया और हम रिदम सिंह जी को मुबारकबाद देते हैं कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं।